तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह में काम करो, और इस तनख्वाह में पेट नहीं भरता है तो नौकरी छोड़ के चले जाओ। दलाली की हरकत करी ना यहाँ पे, अब मैं उतर गया हूँ फील्ड में, जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये सब ना दलाली के धंधे चले हुए हैं, ये चल रहा है, हमको इसको खत्म करना है। ये 500 रुपये मतलब सरकार इनको चुइयां से पैसे दे रही है, ऊपर से 500 रुपये रिश्वत में दे रहे हैं वहाँ बाहर जाके, तो हम देख कर किस लिए रहे हैं। लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लगी है, सुबह 4 बजे से लोग लगे हुए हैं। 3:30 कितने बजे आए थे? 3:30 बजे सुबह आके लगा हुआ है। तो पहले बना हुआ था 17 में, फिर किसी कारण बस घर पे रह गए। रिन्यू करवाने आए हो? रिन्यू करवाने आए हो? आप भी रिन्यू करवाने आए हो? ये बुला लो, बुला लो, सारे टाउट्स खड़े हुए हैं इधर। अब ये रिन्यू करने के लिए भी लाइन में लगा रखा है, रिन्यू तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, जो हम उस दिन बात कर रहे थे। सुबह 4 बजे से ऐसा नहीं सर, अभी 7-8 बजे यही मुझे पता चला, इसीलिए मैं देखने आया था इसको। रिन्यू का सर बाहर से होना चाहिए, ऑनलाइन बाहर से होना चाहिए। रिन्यू का करवाएंगे? हाँ, सब रिन्यू करने वाले वाले हैं सर, नए वाले भी हैं, नए भी बनने हैं। अच्छा, 4-5 दिन हमें रोड लाइन लगानी पड़ी है। 4 बजे सर, ये 11 बजे आते हैं ऑफिस, 11 बजे आते हैं अभी ऑफिस। खुला कि नहीं खुला? अभी खुला है, अभी नहीं खुला, अभी जस्ट खुला है, अभी नहीं खुला, अभी अभी खुला, ऊपर पता नहीं खुला कि नहीं खुला, अभी तो लोग जा रहे हैं। हटिए जरा मैडम, क्या है तो इनको आज टाइट कर दो सबको, कि ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। नमस्ते, कितने बजे से काम शुरू किया है? मॉर्निंग कितने बजे होती है आप लोगों की? 9:30 बजे खोल रखा है। एक लेबर का कार्ड बनाने में कितनी देर, डील करने में कितनी टाइम लगता है? कितना समय लगता है एक आदमी को डील करने में? अभी बज गए 10:30, 45 मिनट हो गए आपको काम करते हुए। सुबह से कितने लोगों का काम किया है दिखाओ। सर एक्चुअली आज सर्वर का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है। आज सर्वर का हो गया, क्या प्रॉब्लम है? सर्वर के लिए लिखा आपने फिर किसी को? कहाँ है आपके ऑफिसर? कौन ऑफिसर है? सर्वर खराब है और सुबह से आपने लिखा किसी को? कितने लोग रजिस्टर हुए हैं सुबह से? एक भी नहीं हो रहा? नहीं सर, कल कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, रिपोर्ट 0 आई है। फिर ये ऑनलाइन का फायदा ही क्या है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? साउथ से। कल नंबर ऑफ एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय डिप्टी सेक्रेटरी 0 है। हमारा सिस्टम ही खराब है, पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगते हैं, फिर लाइन में लगवाते हैं, फिर 1 घंटे बैठ के इनकी चेक करते हैं, तो ये तो बेकार है। लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लगी है, सुबह 4 बजे से लोग लगे हुए हैं। 3:30 से कितने बजे आए थे? 3:30 बजे सुबह आके लगा हुआ था। 1-1.5 महीने पहले इन्होंने अप्लाई किया, अब हम इन्हें 1.5 महीने बाद यहाँ बुला रहे हैं और कह रहे हैं सुबह 3:30 बजे से लाइन में लग के यहाँ। ये इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि इनके सारे पेपर चेक कर रहे हैं हमें, है इन्होंने जो सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है वो साइंड है कि नहीं है, फिर ऑनलाइन का फ़ायदा ही नहीं है, सारा यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ये लेबर डिपार्टमेंट की फाइलें हैं? नहीं सर, ये क्या है इन फाइलों में? यू कैन नेवर सर्च अ फाइल फ्रॉम हियर। फ्री ऑनलाइन प्रोबेबली है, कोई बात नहीं, फ्री ऑनलाइन के भी आपको ये बोला गया है कि मैनेजर जो है वो लाइन में लोग खड़े हुए लोगों के पास जाएगा, वहीं उनके डॉक्यूमेंट देखेगा, वहीं सील लगाएगा, ऐसा बोला गया। आपने सुबह किया? हां सर कर रहे हैं, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर। नहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं, मैनेजर का काम है। नहीं ठीक है, नहीं अभी आप सुबह से गए यहाँ पे लाइन में? सर मैं यहाँ पे जैसे ये वर्कर आए थे ना, इधर वाली लाइन जो ऊपर, आपने एक भी आदमी का वेरीफाई किया लाइन में लगे का? सर डॉक्यूमेंट्स मैंने इनके देखे थे। आपको सील लगानी है? एक साल आपके किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ, किसी कोर्ट ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, यह हमारा सेल्फ इम्पोज्ड है। एक साल कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक साल बाद ये आदमी आएगा या दो साल बाद आएगा तो हम इसको कहेंगे नहीं तुम एक साल बाद आयो, वी कांट एंटरटेन यू, कहीं लिखा हुआ नहीं है। किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है कि एक साल बाद आप रिन्यू नहीं करोगे। ये हम कर
तो हम कर दें बस सारा। तो व्हाट आर वी चेकिंग देन? 90 डेज कहाँ से आया है कि भाई 90 वो सेल्फी डिक्लेयर कर रहा है। नीचे खड़े दलाल पैसे लेने वाले, और सबके सब दलाल पैसे लेते हैं, सारे इन लोगों से पैसा खाते हैं, उसके बाद में इनको पता होता है, यहाँ पे इनसे ठेकेदारों की सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेबर यूनियन का सर्टिफिकेट मांगते हैं, उसके बाद इनका काम करते हैं। ये दलाली का धंधा बनाया हुआ, मैं चलने नहीं दूंगा इस तरह, सबको जेल भिजवा दूंगा अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा। यहाँ तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह में काम करो, और इस तनख्वाह में पेट नहीं भरता है तो नौकरी छोड़ के चले जाओ। गरीब लोगों के नाम पर, काम के नाम पर अगर किसी ने भी दलाली की हरकत करी ना यहाँ पे, अब मैं उतर गया हूँ फील्ड में, जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, लेकिन हम यूनियन वाले, जो यूनियन वालों को अगर हम कहते भी हैं कि भाई वर्कर अपना सेल्फ सर्टिफिकेट लगा देता है, तो वो हमसे आपके आपके कहने पे नहीं जाऊंगा। यहाँ 50 लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हमसे यूनियन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लोग झूठ बोल रही है जनता यहाँ पे खड़े होकर। शौक नहीं चढ़ा हुआ है लोगों को यहाँ पे आके कि आपके 3:30 बजे आके लाइन में खड़े हो जाएंगे, उसके बाद में झूठ बोलेंगे आपके बारे में। इन लोगों की सेवा करने की तनख्वाह मिल रही है, सेवा करो नहीं तो छोड़ दो नौकरी, मजाक बना के रखा हुआ है सबको। मैं और सेक्रेटरी मैडम उतरे, हमने पूछा भाई किस लिए खड़े हो, बोले जी रिन्यूअल के लिए खड़े हैं। कम से कम 7-8 लोग बोले एकदम की जी रिन्यूअल के लिए खड़े हैं, सुबह 4 बजे से खड़े हुए हैं, लाइन में लगा के रखा हुआ है। आपका कोई अगर रिन्यूअल के लिए कोई आ भी रहा है, पहले तो अभी सिस्टम को इज आउट करेंगे सारे को, पर रिन्यूअल के लिए अभी के प्रोसेस में भी ये मैडम या आपका कोई ऑफिसर जाके लाइन में लग के खड़े हो जाए, रिन्यूअल वाले कौन कौन है, उसका सेल्फ डिक्लेरेशन देखे हो गया, ठप्पा लगा के फॉर्म लेके खत्म करें। व्हाई पीपल आर वेटिंग आउटसाइड लाइक दिस? और आपका डीएस कहाँ है, अभी तक आया नहीं है? डीएस कौन है यहाँ पे? डीएलसी साहब, मीना साहब है, एचएन मीना, एचएन मीना। आपका डीएस अभी भी नहीं आया यहाँ पे, क्या कर रहा है डीएस? ये शो कॉज दीजिए कि आप सुबह 10:30 बजे तक, 10:30 क्या, अभी तो कितने बज गए, 11 बज गए, आप 11 बजे तक ऑफिस नहीं आए, वाई ही शुड नॉट बी सस्पेंडेड? और अगर उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो सस्पेंड कर दीजिए। ऑफलाइन इसका फिर कंफर्म हो गया कि नहीं हुआ? इसी कंफर्म मेंबर और नॉट? इसके बाद इनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तो इनको सारे बेनिफिट जो मिलने हैं वो मिल जाएंगे। सर यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है फोटो क्लिक करने का भी, उसके बिना वो एप्लीकेशन आगे मूव ऑन नहीं होती है फोटो के बिना। वो रिन्यूअल अपडेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन तीनों में ही आता है। नीति आप लोग देते हो इनको? हाँ सर, क्योंकि अभी हमारे पास आते हैं ना, तो हमने ये भर के दे दो आपको कुछ। पहले तो वो जो आपका इजीएस्ट वे है, देखो लॉन्ग टर्म में तो जो रिफॉर्म इसमें से क्या क्या करना नहीं करना, आपके मैनेजर को लाइन में लग के, लाइन में लगे लोगों के पास जाना चाहिए। शी इज नॉट गोइंग देयर एंड शी इज बीन डज नॉट नो कि मुझे लाइन में लग के लगे हुए लोगों के पास जाना है या मुझे कोई वहाँ स्टैंप लगानी है और ओके करना है। शी इज नॉट अवेयर। आपको साहब ने बताया था कि स्टैंप लगा के दोगे आप लाइन में खड़े हुए लोगों को? क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको भी मेमो दीजिए कि क्यों नहीं कर रही हैं। इट वॉज फाउंड कि वो शी वॉज नॉट असिस्टिंग पीपल इन द लाइन। मैनेजर आपको कौन है? शी इज द मैनेजर। तो आपका स्टैंप है मैम? नहीं सर, मेरा स्टैंप नहीं है, हम इनिशियल सर। डीएस का कहां है स्टैंप? डीएस का है स्टैंप। बोल लाओ। जब आपने 70 कैंप लगाए थे उस दौरान डीएलसीज का स्टाफ लगाया था सर? सर है ना सर, आप लोगों का कितना स्टाफ? अच्छा डालसा का था, आप लोगों का नहीं था? अच्छा तो डालसा से पूछ लेते हैं, डालसा के 4 लोग यहाँ बैठ जाएं सुबह आके और वो लोग लाइन, उनको ऑथराइज किया था? कैमरा भी एक छोटा सा ही है, सबको मोबाइल से भी लेके के देखिए सर, मोबाइल में करके सर सिस्टम में वही कर रहे, कहीं कर रहे वही कर रहे। यहाँ पर जो सारी चीज आप बता रहे हो, ये फाइलें तो सर्च होनी नहीं है। हर एक मैनेजर के पीछे जो भी है, क्या आपकी पोस्ट क्या है मैडम? सीसीओ। हर एक सीसीओ के पीछे पूरा फुल साइज ह्यूमन साइज बैनर लगवाइए हर एक उसके पीछे। और जो आप ये बता रहे हो उसका एक एसओपी मुझे बताइए हिंदी में, ठीक है, कि यहाँ पर आए हुए व्यक्ति का ये काम होगा, इसमें ना इसकी ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है, ये होगा। लाइंस में सब जगह लिखवा दीजिए कि रिन्यूअल वाले आदमी को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, उसका अलग से करेंगे। मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो लाइन में लगे हुए आदमियों के पास जाके स्टाम्प करके वेरीफाई करेंगे।
हिंदी में रिटर्न यहाँ से लेके और जहाँ तक लाइन है कम से कम 20 बैनर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग हर बैकड्रॉप। ट्रेड यूनियन का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सारा क्लियर वर्ड्स में। सर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मांग रहे सर, वो अपना खुद डिक्लेयर करेंगे। ये सब ना दलाली के धंधे चले हुए हैं। एंड लेट्स एक्सेप्ट दिस कि ये चल रहा है, हमको इसको खत्म करना है। ये 500 रुपये मतलब सरकार इनको चुइयां से पैसे दे रही है, ऊपर से 500 रुपये रिश्वत में दे रहे हैं वहाँ बाहर जाके। हम देख कर किस लिए रहे हैं? किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है कहीं? हाँ होएगा, क्यों नहीं होएगा? हर्षिल बोर्ड क्या लगने थे? हाँ जी सर, बोर्ड क्या लगने थे? सर यहाँ तो कोई बोर्ड नहीं, यहाँ पे प्रोसेस लिखी हो रजिस्ट्रेशन की, क्या प्रोसेस होगी, तुम्हें कहाँ से कहाँ जाना है। मैनेजर साहब कहीं पोस्ट वो लगी हुई है आपकी कि प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन की, कहीं लगाया हुआ है कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक? बेनिफिट्स का भी कोई नहीं है यहाँ लगने होते हैं। यहाँ एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है ना, यहाँ भी एक भी बोर्ड नहीं लगा जहाँ से लाइन लगी हुई है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, मैनेजर की क्या ड्यूटी है। रिन्यूअल के लिए कितने लोग आए थे अभी, मतलब पूछा हुआ था लाइन में रिन्यू करने के लिए? ये सारे रिन्यू करने वाले। फॉर्म कहाँ भरवाया आपने? संगम विहार। संगम विहार में कौन भरवा रहा है फॉर्म? सर कंप्यूटर वाले भरवा रहे हैं जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा, वो कितने रुपए ले रहे हैं? 700 रुपए लिया था जी। 700 रुपए तो मैं दिया हूँ। कहीं का किस लिए देते हो? सर फार्म भरवाने के लिए। अभी इन्होंने तो बोल दिया था कि जाओ अपने नदी की दुकान पे करवा लो। कौन से किसने बोला? यही भी आया था एक दिन, कोई किसी को बताया कि वहाँ जाके करा लो। कहाँ यहाँ किसने बोला था? यहीं पे था, तो वहाँ नज़दीक की दुकान पे जाके करा लो। फॉर्म में क्या भरना होता है? नाम और ये सर वही है सर, सेल्फ सर्टिफिकेशन वो भरेगा सर, वही वही है एड्रेस, वो आधार देगा और एड्रेस के लिए बैंक अकाउंट डिटेल देगा। ये देखो ये जो पेपर है ये किसने दिया? ये वाला कागज किसने दिया? ये तो वही लगाए होंगे सर। किसने? वही उसी दुकान ने, कंप्यूटर वाली दुकान ने 700 रुपये लिए उसने। ये सारे कागज सब दलाली का धंधा चल रहा है भाई हमारे नाम पे, सरकार के नाम। गरीब आदमी आधार कार्ड लिंक करवाएंगे हमारा भी बोला तुम्हारा मां का जवाब 700 रुपये। देखो ये वहाँ बाहर कुछ लोग दलाली, अब तो खैर आप लोग तो आ गए हो फॉर्म भरवा के, दलाली का धंधा खोल के बैठे हुए हैं। ये सब दलालों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत हो तो यहाँ हम बैठे हैं। आपका रिन्यू होना है ना? नया बनवाना है आपको, रिन्यू होना है। आपने भी पैसे दिए? कहाँ? ठीक है आज करवाते हैं इसको, ये रिन्यू वाला सब सारा। हाँ दलाल खड़े होते हैं रात के 11-11 बजे तक, नंबर लगाते हैं यहाँ पे और वो पैसे भी लेते हैं 500-500 रुपए रात को 2 बजे। हाँ जी, और हम लोग यहाँ पे 6 बजे 5 बजे आ जाते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं होता सर। नहीं वो तो मैंने देखा, यहाँ पे 10-12 लोग खड़े हुए थे, स्कूटर से तुरंत निकल गए। हाँ जी वो वहाँ खड़े रहते हैं, हम एक हफ्ता हो गया हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ, स्कूल से आना नहीं। आप तो वो कहते हैं इनका काम कर दें तो ये दलालों के चक्कर में पड़ेंगे क्यों? सर हम गरीब आदमी हैं, हम नंबर लगाए या मजदूरी करने जाए? सही बात है, अगर 2 वक्त खाना जुटाने के लिए जद्दोजहद करते हैं हम सुबह से शाम। परमानेंट एम्प्लॉय हैं? कितना पैसा मिलता है? 30,000 आपको मिल जाता है, 5,000 रुपये गरीब आदमी के मिलने के लिए अब आप एक्सक्यूज दे रहे हो वहाँ पे, ये है वो है। हम इनका काम कर दें, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये सारे 500-500 रुपये देकर आए। क्यों लड़ते हैं, हिम्मत कैसे हो जाती है यूनियन वाले? वो कहते हैं कि जब आपके ऑनलाइन पोर्टल में ये चीज़ है, आर यू रजिस्टर्ड इन एनी यूनियन, तो कहते हैं आप हमारा लिंक क्यों मना कर रहे हो? आप जो है मैं आपकी भी जिम्मेदारी फिक्स करूंगा अगर यहाँ दलाल मिले या यहाँ किस तरह का डिसऑर्डर मिला तो। बाकी हमारा रूटीन काम को छोड़ दीजिए, ये भीड़ का निपटाएंगे, ठीक है, मदद करके। ये सारे डीएल्स की जिम्मेदारी भी लगा दीजिए मैडम, सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है, अपनी पूरी अथॉरिटी यूज करके यहाँ पे कोई दलाल दिखा। रिन्यूअल के लिए सामने अभी जैसे आदेश किया उसी टाइप का अभी लाइन पे खड़े होके सबको करके क्लियर करके, जिस जिसका रिन्यूअल है सबका स्टैंप लगा के सबको भेज दीजिए, किसी हो गया उसका, ठीक है। और जिसका आप आपकी जिम्मेदारी है लाइन में लगे हुए लोगों के सिग्नेचर करके फोटो करके, ताकि वो केवल फोटो खिंचाने जाएंगे वहाँ पे,
अभी की व्यवस्था में, बाकी इस व्यवस्था हमारी इंक्वायरी करनी है तो क्या नाम है, जहाँ काम करते हैं वहाँ हमने फोन नंबर दे रखे हैं, क्या नाम है ठेकेदार। अरे चिंता नहीं है यार, भरोसा है ना सरकार को, मैं कह रहा हूँ हमें सरकार को आप पे भरोसा है, एक बार लिख के दे दिया हो गया, वो इंक्वायरी है, कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं। 300 रुपए मिलते हैं दिहाड़ी के दर्जी और यहाँ पे आते हैं रोज, एक हफ्ते से चक्कर काट रहे हैं, वो भी नहीं मिलते, वो भी नहीं मिलते। सही बात है, ऊपर से धक्का मार के पीछे कर करते करते जाओ, हो गया कभी 50 आदमी। आप चिंता मत करो, ये ठीक कर दूंगा, मुझे पता चला था तभी आया हूँ देखने की क्या गड़बड़ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।